जिन्होंने 3.0 अपडेट किया है तो उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो वीरे 3.0 है उसके अंदर जो कैमरा है उसका सेटिंग काफी अलग है वीरे 2.0 से। और आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि वीरे 2.0 का सेटिंग उसमें नहीं है और उसके सेटिंग से ही आपको पूरा हैंडल पता है कि कैसे हम लोग सेटिंग यूज कर सकते हैं वीरे 2.0 का। मुझे 3.0 का सेटिंग काफी, कैमरे का सेटिंग काफी अलग है, ठीक है। और आपको सेम टू सेम सेटिंग अगर वीरे 3.0 में चाहिए कैमरे के अंदर, तो फिर ये वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। जहां पर आपको मिलते हैं 3D लाइब्रेरी, 3D न्यूज और 3D से रिलेटेड काफी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके 3D को क्रिएट करने में काफी कुछ आसान बना सकते हैं। ओके, और आपको इसके बारे में और जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक पे क्लिक करके आप वहां पर देख सकते हो। इसके अंदर आपको बता रहा हूँ 2018 में जो हम लोग यूज करते हैं 3.6 यानी 3.0 वाले वर्जन के वीरे को, ओके, तो उसके अंदर हम लोग का कैमरा मिलता है। मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, इसके अंदर हम लोग को मिलता है 3 कैमरा जो हम लोग के पास होता है, फिजिकल कैमरा, फिर और होता है हम लोग पास डोम कैमरा, और होता है हम लोग के पास स्टूडियो कॉपी कैमरा वीरे का। ओके, ठीक है। तो फिर अगर मुझे इधर पे कैमरा क्रिएट करना तो कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो ये कैमरा आ जाता है। ओके, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो उसको सेलेक्ट करने के बाद तो इसकी सेटिंग काफी ज्यादा ही अलग है जो हम लोग को मिलता था जो हम लोग 2.0 जो मैं अभी ये 14 में आपको दिखाता हूँ। 14 में जब हम लोग ये कैमरा यूज करते थे वीरे का, तो वीरे के अंदर हम लोग को जो ये फिजिकल कैमरा मिलता था उसके अंदर जो हम लोग को सेटिंग मिलती थी, इसकी सेटिंग आपको पता होगी। इसके अंदर आपको देखिए इधर पे आपको स्टिल, मूवी, वीडियो ये सब ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर फोकल लेंथ ये सब सेटिंग हम लोग को काफी आसानी से पता है, ठीक है। काफी आसानी से हम लोग को ये कैमरा हैंडल करने आ गया है। अभी जो नया कैमरा है तो इसको हैंडल कर पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है भाई, ठीक है। तो फिर सबसे बेस्ट है अगर आपको पुराना ही कैमरा चाहिए, पुराना ही कैमरा चाहिए तो उसके लिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। ओके, तो उस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं एक लिंक दे दूंगा इस स्क्रिप्ट का, जो मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, ये मेरे पास है ये स्क्रिप्ट 05 क्रिएट कैमरा फॉर क्रिएट कैम फ्रॉम व्यू। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? इसको इंस्टॉल करने का तरीका एक तो ये है कि आप बस अपने जहां पर भी है 3D Max को ओपन करके रखिए, फिर बस डायरेक्टली आप ड्रैग करके यहां पर देखिए, ये ड्रैग करके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि 18 है तो इधर पे हम लोग जा सकते हैं स्क्रिप्टिंग में, स्क्रिप्ट में जाकर रन करना है, रन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जहां पर भी वो पाथ है या फिर ये पाथ ओपन कर हो गया है तो उसके अंदर ही वो स्क्रिप्ट को कॉपी कर लीजिए, काफी आसान हो जाएगा। बार बार आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार कर लेते हैं, उसको मैंने यहाँ पर दे दिया। फिर इसी को जो ये मैंने स्क्रिप्ट आपको लिंक में दिया हूँ उसको डाउनलोड करिए, काफी छोटा सा 1KB का ही है, फटाक से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको बस उसको डाउनलोड करके अपने स्क्रिप्ट से उसको रन कराना है। मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन करता हूँ। मैं बोलोगे ओपन करने पे कुछ आया नहीं, ठीक है। तो उसको आपको एक टूल बार बनाना पड़ेगा, तो टूल बार बनाने के लिए इसके अंदर आप जाते हैं कस्टमाइज मेन्यू में, कस्टमाइज यूजर इंटरफेस में, ओके, कस्टमाइज यूजर इंटरफेस में ओपन हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग जाते हैं टूल बार, तो टूल बार में यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर नीचे आप जाओगे तो इधर पे एक कैटेगरी आएगी, उसका नाम होगा प्लगइन टूल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये सब मैंने बहुत सारे बना कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको इसके भी मैं आपको बता चुका था पिछली बार कि ये क्या बोलते हैं डायमेंशन एंगल का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ हूँ, ओके, तो ये भी इसका ही वीडियो मैंने डाल दिया हूँ, ओके, तो ये भी इसका भी मैंने बना दिया हूँ। ये भी जो है क्रिएट वीरे फिजिकल कैम, ये यही है प्लगइन टूल में आपको अपडेट करके मिल जाएगा। अगर आपको ये अकेला मैं स्क्रिप्ट दूँ तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ये अपडेटेड होके आएगा, मैंने ये सब बना कर रखा हूँ इसकी वजह से, ये सब इसके भी आपको लिंक मैं दे दूंगा, ओके। तो फिर अभी मैं इसको यहाँ पर अपने टूल बॉक्स में लेके जाता हूँ, इधर पे एक नया बना देता हूँ टूल बॉक्स, कुछ भी लिख दीजिए नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उस टूल बॉक्स को मैं यहाँ पर रखता हूँ, मेरे ब्लैंक टूल बॉक्स आ गया है, जो मेरा ये वीरे कैमरा फ्रॉम व्यूपोर्ट है, मैंने इधर पर रख दिया, ये वीरे कैमरा मेरा व्यूपोर्ट है, ठीक है। तो अभी मेरे को अभी यहाँ पर कैमरा क्रिएट करना है,
हम लोग चाहे तो इसका शॉर्टकट ही बना सकते हैं। अभी हम बटन बना दिया हूँ, तो बटन से मैंने क्लिक कर लिया, तो ये देखिए इधर मेरा ये कैमरा आ गया। ये देखिए पुराना अपना वीडे कैमरा, ये मेरा 3D Max 2018 में है। और अभी बोलोगे कि ये वर्क करता है कि नहीं अच्छे से, ठीक है। इसको मैं छोटा सा एक आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये वर्क अच्छे से करता है कि नहीं, ठीक है। ओके फाइन, तो इसके में मैं अपना वीडे कैमरा एक्टिव कर लेता हूँ। वीडे कैम देख सकते हो, कुछ सेटिंग वही है और कुछ नहीं है, डन। और एक लाइट भी अप्लाई कर देते हैं, एक छोटा सा डोम अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ से, फाइन, ठीक है। फिर हम लोग सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया हूँ वीडे 3.0, वीडे 3.60.03, ओके। तो अभी मैं इसको एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, फाइन, सही है। अभी थोड़ा डार्क इसलिए है क्योंकि वीडे कैमरा यूज़ किया है। वीडे कैमरा में उसके सेटिंग के बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो किस तरह सेटिंग होने वाला है, ठीक है। उसका सेटिंग, अगर आपको ये भी सेटिंग नहीं आता है तो फिर इस सेटिंग का कैसे यूज़ करते हैं आपके लिए इजी हो जाएगा, कैसे क्या होता है। ये सेटिंग क्या होता है, जो हम लोग के पास DSLR कैमरा होता है सेम टू सेम वैसे ही सेटिंग है। इसके अंदर क्या है, शटर स्पीड होती है, इसके अंदर भी जो होता है शटर स्पीड है, ISO सेटिंग है, उसको सेट करके हम लोग अपने कैमरा के जो ये है काफ़ी डार्क में जा रहे हैं तो उसको हम लोग लाइट में डाल सकते हैं। जैसे इसका शटर स्पीड मैंने बढ़ा दिया, देखिए डार्क में चले गया, ओके। अगर मैं शटर स्पीड को और कम करूंगा, ठीक है, अगर आप DSLR यूज करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। शटर, उसमें भी DSLR कैमरा में भी वैसे ही होता है कि शटर स्पीड को हम लोग कम करते हैं तो लाइट, शटर स्पीड क्या होता है कि स्पीड ऑफ कैप्चर, यानी कि जो इमेज को कैप्चर करने का स्पीड होता है शटर स्पीड, ठीक है। तो इसके अंदर ISO भी है, ISO, तो इसके बारे में और भी डिटेल में मैं बताऊंगा वीडियो कैमरा के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ओके। आपको पता चलेगा कि हम लोग अपने 3.0 में कैसे वीडियो 2.0 के फिजिकल कैमरे का सेटिंग अपने 3.0 में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए कौन सा स्क्रिप्ट है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि हम लोग अपने 3.0 वाले वीडियो में वीडियो फिजिकल कैमरे का पुराना सेटिंग कैसे लेके आ सकते हैं और कहाँ से। फ्रेंड को शेयर करना ना भूलिएगा, ओके। तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद में जो बेल बटन आता है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।